नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सोमवती अमावस्या फागुन अमावस्या 20 तारीख की है और चार चीजें आपने जरूर करनी है इस दिन, क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। और मात्र चार चीजें करने से आपको साल भर इसका लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं जैसे जैसे अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है। आखिर ऐसा क्या होता है? 15 दिन आपको कुछ नहीं होता, मतलब 13-14 दिन आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते हैं आप अमावस्या के, तब आपके अंदर मन के अंदर भी उथल पुथल मचने लगती है, चीज़ें खराब होने लगती हैं, कुछ घटनाएँ होने लगती हैं, डर वहम होने लगते हैं, पितरों के सपने आने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहें कि जब जब अमावस्या आती है तो ऐसे लगता है कि आपको हमारे जीवन के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है, दूसरा क्या किया जाए कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए? क्योंकि हर 15 दिन में 20 दिन में अगर आप परेशान या बीमार रहने लगेंगे या कोई ना कोई एंजाइटी आपको घेर लेगी, कोई ना कोई स्ट्रेस आपको घेर लेगा, तो आप कैसे काम करेंगे? हर 15 दिन में आप बीमार, हर 15 दिन में बीमार, तो ये तो अच्छा योग नहीं होता है, ये तो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि उसी सिचुएशन को संभालने में आपको महीनों लग जाते हैं, लेकिन आपको ये बिगड़ने वाली सिचुएशन बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाती है। इसके लिए भी हम आपको एक उपाय बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब तिथि की बात करते हैं, क्योंकि 20 तारीख को आपने ये अमावस्या की तिथि मनानी है, यानी 20 तारीख को आपने ये सारे उपाय जो रेमेडीज हैं वो करने हैं। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या के नाम से इसलिए जाना जाता है और भगवान भोलेनाथ का इस दिन खास करके आशीर्वाद पाना चाहिए। वैसे पितरों के लिए जो हम काम करते हैं वो भी अमावस्या तिथियों पर करते हैं, लेकिन इस बार आपने अपने स्वयं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। सिर्फ पितरों के लिए नहीं, सिर्फ स्वयं के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ है इस बार, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी अपनी इकट्ठी कर सकते हैं। 19 तारीख को जो तिथि शुरू हो रही है वो शाम को शुरू हो रही है, यानी 4:19 पर शुरू होगी और सोमवार को ये तिथि जो है अगले दिन 20 तारीख को 12:36 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ज़्यादातर जब हम अमावस्या की बात करते हैं तो अमावस्या की काली रात की बात करते हैं, यानी कहते हैं कि रात में हमें ये सारे उपाय करने चाहिए, लेकिन सोमवती अमावस्या की दिन के उपाय ज़्यादा महत्व रखते हैं, पूर्णिमा के रात्रि के उपाय ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अमावस्या में दान और स्नान का खास करके महत्व रहता है। लेकिन वही पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा के अर्घ का महत्व रहता है, यानी चंद्रमा के दर्शन, चंद्रमा के उपाय, तो बहुत ही ये अलग कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब हम बात करें सोमवती अमावस्या की, तो इसमें खास करके विलक्षण योग और संयोग होने के कारण सोमवती अमावस्या का स्नान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान रहने वाला है। अब योग किस तरीके से बन रहे हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो इस बार बन रहे हैं, कौन से ऐसे संयोग हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो मिल सकता है। शिव योग बन रहा है और जब शिव की बात आती है कल्याणकारी है, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो विनाशकारी भी है, यानी अगर नुकसान करने पे आएंगे ना तो आपने इतने पाप किए होंगे, तो पाप वालों को तो खूब अच्छा सा नुकसान करके बताते हैं कि कैसे आप पाप मुक्त करने का रास्ता भी देते हैं ये, लेकिन वहीं आपके लिए कुछ खास विधियाँ करने का एक समाधान भी देते हैं, पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको एक झटका भी ज़रूर देते हैं, इसलिए इन्हें विनाशकारी भी कहा जाता है, इन्हें कल्याणकारी भी कहा जाता है। कल्याण करने पे आएंगे तो कल्याण कर देंगे आपका। दो युग योग इनके बन रहे हैं, शिव और परिध। परिध जो योग और शिव योग, ये दो योग का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस अमावस्या तिथि पर। और वहीं जब नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र बन रहा है घनिष्ठा नक्षत्र और साथ के साथ शतभिषा नक्षत्र। ये दो नक्षत्रों से अमृत योग भी बन रहा है, तो यानी कुल मिलाकर के दो अमृत योग हुए और दो
शिव योर परिजो, यानी चार योग का कॉम्बिनेशन इस बार बन रहा है। तो चार काम तो कम से कम आप करिएगा करिएगा जरूर, अपने जीवन को कल्याण की तरफ लेकर के जाने का। पहला काम जो है, कहते हैं ये अमावस्या का जो तिथि है इसमें स्नान और दान का ज्यादा महत्व रहता है। तो स्नान की ही बात पहले करते हैं कि स्नान करना कितना महत्वपूर्ण होता है सोमवती अमावस्या में। खास करके तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान किया जाता है, पवित्र स्थानों में जाकर के स्नान किया जाता है, पवित्र नदियों का स्नान लिया जाता है, पवित्र सरोवरों का स्नान लिया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने घर में ही पवित्र नदियों का स्नान कर सकते हैं। पवित्र जल जो भी है आपके पास में, चाहे वो नदियों का है, सरोवरों का है, या गंगा जल है, या फिर आपके पास पवित्र स्थानों में जैसे अमृत पड़ा होता है, लोगों के पास बहुत सारे होते हैं चीज़ें ऐसी जो आप डाल करके जल में स्नान ले सकते हैं। लेकिन ये स्नान सूर्य उदय से पहले कर लीजिएगा। फिर हम कहते हैं कि रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, ऐसे कुछ भी करने लग जाते हैं, अपने तरीके से करने लग जाते हैं, मतलब जो मन करेगा वैसा कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको स्नान लेना है सूर्य उदय से पहले का, उसके बाद ही आपने सारी अपनी क्रियाएं विधियां जो हैं वो करनी है। अब आती है दान की बात और ध्यान की बात। यानी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर सूर्य अर्घ की महत्वता है, इसीलिए सूर्य से उदय होने से पहले ही स्नान लेकर के नहा धो करके पवित्र होकर के जब सूर्य देव निकले उस समय आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और जल में गुड़ डाल करके जल को अर्पित करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और फिर आती है बात दान की, दान क्या करना चाहिए। इस समय अमावस्या पर पके हुए अन्न का भी दान कर सकते हैं आप, कच्चे अन्न का भी दान कर सकते हैं। पितरों के लिए आप कुछ खास, जैसे होता है कि वस्त्र दान करना, अन्न का दान करना है, जल का दान करना, मिष्ठान का दान करना, ये कार्य आप पितरों के निमित्त पितरों के लिए कर सकते हैं इसी दिन 20 तारीख को। फिर आती है कौओं को अन्न बना करके डालना, यानी चावल, पके हुए चावल खिलाना, इससे भी पितर शांत होते हैं। गौ माता को पेड़ा खिलाना या फिर अपने घर में पकने वाली पहली अन्न रोटी, यानी पहली चपाती जो आप बनाते हैं, वो आप गौ माता के लिए, डॉग्स के लिए, कौओं के लिए चावल, ये इस तरीके की विधियां आप इस सोमवती अमावस्या पर ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास करके जल की व्यवस्था, कहते हैं बेजुबानों के लिए जल का प्रबंध करना चाहिए, ये समय जो होता है ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन चार काम इसमें ज़रूर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक, गौ माता को पेड़ा खिलाना। दूसरा, स्नान की प्रक्रिया जो हमने आपको बताई है कि सूर्योदय से पहले लेना स्नान। तीसरा, दान करना, यानी पितरों के निमित्त दान करना, या फिर आप ये कहें कच्चे अन्न या पके हुए अन्न या वस्त्र, इनमें से कोई भी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सूर्य को जल देना, ये बहुत उत्तम माना जाता है, इसी से आपके लिए बनता है आपके कल्याण का रास्ता। तो सोमवती अमावस्या, फागुन अमावस्या की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप इन योग का, संयोग का पूरा लाभ उठाइए। और ये वीडियो एटलीस्ट आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि अगर आप लोगों ने जैसे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। और हमारी जो वीडियोस हैं वो बहुत खास हैं, इस बार की शिवरात्रि की भी वीडियोस हमने आपके पास एक बैक टू बैक सारी वीडियोस डाली हैं, और अमावस्या की वीडियो भी आपके लिए, योग और संयोग की अमावस्या है, तो इसका भी लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, तो आप पर्सनली, निजी तौर के ऊपर आप अपना हॉरोस्कोप भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप
फ्री में अपने कुंडली विश्लेषण चाहते हैं तो जो सुबह 6 बजे की वीडियोस हम डालते हैं, राशिफल डालते हैं, उस पर आप अपने लकी विजेता बन सकते हैं अपनी पूरी डिटेल डाल करके। लेकिन आपके हमें जो आंसर्स लिखते हैं या क्वेश्चंस लिखते हैं या फिर आप कमेंट्स लिखते हैं उसका हमेशा इंतज़ार रहता है। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये चैनल कैसा लगता है, ये वीडियोज़ कैसी लगती है और आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव हुए हैं इन वीडियोज़ को देख करके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।